इस मरतबा 5 जून को धर्मशाला में पहली बार आयोजित की जा रही संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। डीसी कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि सिविल सेवा की प्रारंभिक लिखित परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर परीक्षा पर्यवेक्षक तथा केंद्र प्रभारियों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें उन्हें परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा के संचालन में किसी भी स्तर पर कोताही नहीं बरती जाएगी। डीसी ने कहा कि पहली दफा धर्मशाला के अंदर भी इस परीक्षा के लिए सेंटर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 825 अभ्यर्थियों द्वारा धर्मशाला को अपने परीक्षा केंद्र के रूप में चुना गया है। उपायुक्त ने कहा कि परीक्षा के आयोजन के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धर्मशाला तथा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धर्मशाला में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। जो यूपीएससी की प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की जो परीक्षा है वो 5 जून 2022 को होनी निर्धारित है और धर्मशाला पहली बार एक परीक्षा का केंद्र बना है और यहाँ पे 3 जो वेन्यूज हैं उसके ऊपर ये एग्जाम उसके अंदर ये एग्जाम लिया जाएगा, गवर्नमेंट बॉयज स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। और यहाँ पे 825 जो कैंडिडेट्स हैं जिनको जो रोल नंबर आवंटित किए गए हैं और कल भी एक जो सभी इन्विजिलेटर्स हैं, असिस्टेंट वेन्यू सुपरवाइजर्स हैं उनकी एक ओरिएंटेशन जो ट्रेनिंग है वो कल की गई है और पूर्ण रूप से सारी तैयारियां यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करने के लिए पूरी हैं।